हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। परसवाड़ा सहित आसपास के ग्रामों में नौतपा के इस मौसम में जब भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बिजली विभाग द्वारा लगातार मध्य रात्रि में बेवजह अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसे ग्रामीणों को रत जगा करना पड़ मजबूर होना पड़ रहा है। आए दिन बिजली कर्मचारियों से बिजली जाने की शिकायतों के बावजूद भी बिजली जाने की समस्याओं में लगातार इजाफा ही हो रहा है, जिससे परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण जनों में आक्रोश पनप रहा है। बालाघाट से संवाददाता अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। मेरा नाम वेदांग बिसेन है और मैं परसवाड़ा ग्राम का निवासी हूं। यहां पर लगातार 30 दिनों से लाइट गोल होते जा रही है, करीबन 1 महीना हो गया। रात्रि को बहुत परेशानी होती है, गर्मी बहुत हो रही है और फिर भी यहां पे कूलर पंखे और ये सब चलने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है और इसी चलते बहुत सामना करना पड़ता है गर्मी का अपना। और अभी कल की जानकारी कि रात से 12 बजे से लाइट गोल थी और सुबह 7 बजे लाइट आई। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कल रात से 12 बजे से लाइट गोल थी और उसके बाद रात भर लाइट नहीं आई और सीधे 7 बजे तक करीबन आई है लाइट। हाँ। और इस बीच में रात को पंखे नहीं, कुछ नहीं और लाइट की गोल थी, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी को शिकायत नहीं किया? किसको शिकायत करेंगे, सब तो यहीं के हैं, लोकल के। लाइनमैन भी कुछ नहीं बोलता, कट आए, फ़ोन नहीं उठाते। चलिए ठीक है। बिजली सप्लाई आती है जी जी, वो 2 बजे रात को फॉल्ट हो गए थे जी। उन्होंने 2 दिन, 1 तो बार चार्जिंग भी उन्होंने फॉल्ट घोषित कर दिया जी, क्योंकि 33 के भी तो भैया वाले मेंटेनेंस करते भैया वाला जी साहब लोग जी, इसलिए नहीं हो पाए। फिर सुबह पेट्रोलिंग करके उसको चालू कर पाए सर। और ये अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कटौती हो रही है, अघोषित कटौती दिन में कई बार हो जाती है, फिर विगत सप्ताह भर से कुछ ऐसी कटौती चल रही है, ऐसा ग्रामीण को कहना है? कटौती नहीं है, एक्चुअल हमारा थोड़ा सा मेंटेनेंस है, प्री मानसून मेंटेनेंस जी। 11 KV लाइन जो है, ट्री कटिंग वगैरह आ रही है वो।